ओके वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन. पीपल आ रही है, आवाज ही नहीं आ रही है. थैंक यू. एंड सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे. इतने भी टीचर्स हमारे साथ हैं, आप सभी को अग्रिम शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाई हैं आपको. एंड आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, क्योंकि आपके बिना शायद हम लोग यहाँ तक नहीं होते. तो जितने भी टीचर्स यहाँ पर हैं, आप सभी को चरण स्पर्श कह सकता हूँ. चलिए जी, हम लोग हैं यहाँ पर रावत पीजी गर्ल्स कॉलेज में राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के बिहार पर. राजस्थान की कला संस्कृति और विरासत को प्रमोट करने के लिए हर साल होता है राजस्थान फिल्म फेस्टिवल, और इस बार है 5th एडिशन. इस 5वें एडिशन में हमने एक और एडिशन ऐड किया है, और वो ऐड है, एडिशन है ये है कि 3 दिन का है ये फेस्टिवल. 14, 15 और 16 सितंबर को, यानी कि 14, 15 और 16 को, एंड 14 सितंबर को इस बार होने जा रहा है. Thank you.
ATV Rajasthan, there was another tourism, Muthugay tourism, additional partner, yes, makers, we were taught and managed by KC. Acha, what about Pika Chi, K. Pika Ji ke bhujiya, Pika Ji ke papad, Pika Ji ke rasgulle. Kitne log jante ho? Sabhi log khate ho. आपको भी देते हैं बहुत सारे प्राइजेस. आप मुझे बताएंगे राजस्थानी सिनेमा की बात कर रहे हैं, राजस्थानी संगीत की बात कर रहे हैं, 13 ताली डांस फॉर्म होती है राजस्थान में, 13 ताली, कोई जानते हैं उसके बारे में क्या होता है? जी सिर्फ होती है, उसके लिए आप प्लानिंग कर रहे हैं, उसके आगे भी सुनो. Thank you.
तालियां भी जोर के बज जाए। Thank you.
Okay, Rajasthan ka ek aisa
का जिंदा जिसे कहते हैं दिल, एक ऐसा शहर, एक ऐसा जिला जिसे राजस्थान का दिल कहते हैं। कहां से पता है? सभी लोगों को पता नहीं है? सही है। और ठीकर जी के जो मुझे हैं वो बात करके लेना। एक ऐसा शहर, एक ऐसा जिला जिसे कहते हैं टेक्सटाइल सिटी। सभी बता दिए जाते हैं कि अपने अपने लीडर दस रुपए का मैगर। ऐसा शहर, ऐसा जिला जिसे कहते हैं द सिटी ऑफ पैलेस, सिटी ऑफ पैलेस। आ जाओ जल्दी से, तो नॉलेज तो बहुत स्ट्रॉन्ग है आप लोगों का। नहीं कतला भी बस। अच्छा कितने लोग हैं? तो एक ही बसर से ऊपर वाले हैं, 80 से ऊपर वाले हैं। कितने 70 से ऊपर वाले जिनके 70% से ऊपर आता है? कितने 60 से ऊपर वाले? और बाकी बचे लोग वो कहेंगे जो कि 50 से ऊपर वाले हैं। है ऐसा जी? नाम आपका? हेलो, आप कहाँ के रहने वाले? आप जयपुर से? तो चलो जी, ये आपके लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आप लोग कहाँ जाते हैं? कितनी कोई कोई एक जगह पर रहे हैं आप लोग? ऐसा तो नहीं है। ओके जी, जब राजस्थान फिल्म फेस्टिवल के यहाँ पर जो राष्ट्रीय कॉम्पिटिशन होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट करने वाले दो लोग यहाँ खड़े हैं, क्या प्ले सबसे आगे बैठे हैं आप? प्लीज जल्दी से आइए। आप लोग यहाँ पे कितनी देर हो गया आपको बैठे हुए? 9 बजे से बैठे हुए? अरे 11 बजे से बैठे हुए? ओके, अभी 15 मिनट हो गए हैं, उसके बाद में हम लोग रवाना होते हैं। अभी यहाँ पे जाने का छुट्टी वाले की छुट्टी? ओके ठीक है सर। क्या नाम है? अनुजा। अनुजा के लिए जो का ताले होता है वहाँ अनुजा के, तो बहुत देर से बात ही मैंने अनुजा को देख के ठीक लगा लेंगे। आइए सारे गाने जी प्लीज। सॉरी को सारे होगी जी गाना मत लगा, अगर उतना कर दे जरा। किस तरह का गाना आज टीचर्स डे है तो टीचर्स के सम्मान में गाना करते वो भी देख दो तो फिर गाभी में घुमा इसे कोई तो जो आपको मान जाएगा।
बेस्ट आप कहाँ के हो?
कितनी अच्छी दोस्त है। अरे वाह क्या बात है, चले
I'm sorry.
आप में बड़े सम्मान की बात होती है, आप तो जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे टीचिंग फील्ड, एंटरटेनमेंट की फील्ड हो, एंकरिंग की फील्ड हो, आरजे की हो, डांसिंग की हो, कोरियोग्राफी की हो, आपके टैलेंट के साथ साथ आपका जॉब है, पढ़ाना जॉब है, मेरा काम एंकरिंग करने का जॉब है, जो हमारे कोरियोग्राफर्स हैं इनका डांस सिखाने का जॉब है, लेकिन इसके साथ साथ आप में मानवीय गुण कितने हैं, आप कितने सोशल हैं, आप कितने नॉर्मली सब लोगों के सामने घुल मिल जाते हैं, वो सबसे ज्यादा मायने रखता है। पढ़ाते तो है लेकिन पढ़ाने के साथ साथ जिस तरह से इनका एक्साइटमेंट है गर्ल्स का, बहुत सारे आंखों से ये ऐसे ऐसे प्यार होता है, आंखों से बहुत सारा प्यार होता है, मतलब इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, एक्सप्लेनेशन है ही नहीं, चाहे वो सिस्टर के लिए हो, चाहे वो मम्मा के लिए हो, चाहे पापा के लिए हो, चाहे टीचर्स के लिए हो, चाहे भैया के लिए हो, जब प्यार उमड़ना शुरू होता है तो फिर प्रशांत महासागर और भूमध्य सागर से भी परे चला जाता है। सो थैंक यू सो मच मैम, और आपको इतना प्यार मिलता है स्टूडेंट्स की तरफ से, थैंक यू सो मच। लेकिन आपकी टीम जो उतरने वाली है उसमें 20 से ज्यादा गर्ल्स नहीं होनी चाहिए और 8 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर आप मैक्सिमम 5 मिनट का गाना देते हैं उसमें 2 मिनट का गाना राजस्थानी मीट्स का होना चाहिए, आपके गाने की थीम, आपके परफॉर्मेंस की थीम राजस्थानी होनी चाहिए। 16th of September को है अवार्ड शो, दीप स्मृति ऑडिटोरियम टैगोर इंटरनेशनल स्कूल मानसरोवर में, वहां पर आप सभी लोग हम आपसे इतनी सी बात जानना चाहेंगे, जितने दिन हम लोग आपके साथ थे यहाँ पर, लेकिन राजस्थानी सिनेमा को, राजस्थानी भाषा को, राजस्थानी मूवीज को हम लोग प्रमोट करने के लिए आपके साथ में, सो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, मतलब हम लोगों की तारीफ जब कह दो तभी। बढ़िया, थैंक यू। मैं बहुत और आज हमने प्रोग्राम किया था छोटा सा, बहुत दिन से सब कह रहे थे करवाओ करवाओ, चलो करवा दिया। और ये फिल्म फेस्टिवल जो था राजस्थान में इन्होंने करवाया, बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और मुझे लगा आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। लेकिन केवल एक ये प्रोग्राम के लिए नहीं सोचना चाहिए, हमें सोचना चाहिए कि हम जो इस तरीके से हॉलीवुड बॉलीवुड फिल्म देखते हैं तो उसको तो प्रमोट करते ही हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि हम राजस्थानी हैं तो राजस्थानी फिल्म भी जितनी ज़्यादा देखें और जितनी ज़्यादा जैसे कहते हैं ना फेसबुक पे शेयर करते हैं, तो इसी तरीके से इनको भी हमें प्रमोट करना चाहिए। प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, थैंक यू सर। एंड हम लोगों ने ये हम लोगों ने जो बीड़ा उठाया है राजस्थानी सिनेमा को प्रमोट करने का, राजस्थानी भाषा को, हमारी राजस्थानी भाषा को अभी तक मान्यता नहीं है, ये आप सभी लोग भी जानते हैं, बहुत सारे रीजनल जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उन सबको मान्यता है। आप पंजाब में जाइए कहीं भी बोर्ड पे लिखा होगा पंजाबी में, हिंदी में नहीं लिखा हुआ। अभी मैं कुछ रोज पहले गुजरात गया था, पालनपुर क्रॉस करते ही गुजराती में आप अपनी भाषा को प्रमोट करने के लिए कोशिश करेंगे कुछ जहाँ तक हो, बहुत ज़रूरी है आजकल ग्लोबलाइजेशन के ज़माने में कि इंग्लिश को भी प्रॉपर तरजीह दी जाती है, हिंदी को भी प्रॉपर तरजीह दी जाती है, लेकिन कभी भी इंसान अपनी माँ को नहीं बोलता है, तो आपको भी यही करना है। थैंक यू सो मच।